रामपुर में चिकन कॉर्नर मालिक से 62 लाख की धोखाधड़ी करने के मामले में तहरीर के आधार पर पुलिस ने लेखपाल संघ के जिलाध्यक्ष महिपाल सिंह समेत 6 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई है। शहर कोतवाली क्षेत्र के नवाब गेट माला रोड पर रहने वाली नदीम खान का घर के नीचे ही ना ही चिकन कॉर्नर है, उन्होंने अपना यह मकान बेच दिया था। आरोप है कि जमाल खान और राजू कुरैशी ने दूसरी जगह सस्ती कीमत पर मकान दिलाने का लालच दिया था। जमाल खान ने अपना 250 वर्ग गज का मकान बताया, जिसे 30 लाख रुपए में बेचने की बात तय हो गई। बाद में उसने बताया कि मकान में 100-100 गज का हिस्सा उसका और उसके भाई का है, जबकि 50 गज का हिस्सा उसकी बहन सुभी का है। 26 अक्टूबर 2018 को उसने अपना और बहन के हिस्से का इकरारनामा उनके नाम करा दिया। भाई के लखनऊ से आने पर उसके हिस्से का बेनामा कराने का बहाना करके टाल दिया। इस तरह उसने 25 लाख रुपए ले लिए थे। बाद में इकरारनामे के मुताबिक उन्हें 150 गज के हिस्से पर कब्जा नहीं मिल सका था। बाद में पता चला कि जिस महिला को बहन बताया गया उसका असली नाम साफिया था। उन्होंने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपियों ने फिर से उन्हें झांसा दिया। इस बार सैजनी नानकार गांव में करीब 9 बीघा जमीन 30 लाख रुपए में दिलाने की बात कही। जमीन की जानकारी की तो पता चला कि वह नॉन जेड है। उसके बाद आरोपियों ने लेखपाल से मिलवाया। लेखपाल ने भरोसा दिलाया कि जिला अधिकारी आनंद जे कुमार के तबादले होते ही उनका नाम जमीन के कागजों में चढ़ा देगा। इसके बदले में 2 लाख रुपए लेगा। 2 लाख रुपए लेने के बाद इकरारनामा कर दिया। इसके बाद फिर 16 लाख रुपए दे दिए, लेकिन आरोपियों ने अभी तक बेनामा नहीं कराया है। आरोपी उन्हें कभी मकान और कभी जमीन दिलाने और बेचने के नाम पर लूटते रहे। इस तरह होटल मालिक के करीब 62 लाख रुपए झड़प लिए गए। होटल मालिक ने परेशान होकर पुलिस अधीक्षक से शिकायत की। पुलिस अधीक्षक के आदेश पर गंज पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। गंज कोतवाल रामवीर सिंह ने बताया कि इस मामले में बाबर खान, जमाल खान, रईस साफिया, राजू और लेखपाल महिपाल सागर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के बाद मामले की जाँच की जा रही है। वहीं इस मामले पर सीओ सिटी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्यवाही की जा रही है। पूरी बात बताइए, किस मामले में एफआईआर दर्ज कराई है? यार मैंने 420/67/71 के मामले में दर्ज कराई है। मेरे साथ धोखा किया गया, पहले फर्जी बैनामा किया गया। जब मुझे फर्जी बैनामा करा गया तो औरत भी फर्जी लेकर आए फर्जी नाम से। किसने दर्ज कराया है? किसने फर्जी बैनामा कराया है? फर्जी बैनामा ये जमाल है, इसके साथ में पूरा गैंग हैगा, पूरा ग्रुप है इनका 10-12 लोगों का। इसके अंदर राजू कुरैशी है, बाबर हैगा, जमाल है, एक औरत है सुबुई, नाम रखा आई है लेकिन नाम शाफिया है उसका। लेखपाल भी हो गई उसमें, लेखपाल भी पैसे लिए हमसे 2 लाख रुपए लिए थे और उसका जो साथ में रहता उसको हमने फ्रिज मांगा था, हमने फ्रिज उसको दिलाया था, दया राम उसके साथ रहता। सर, थानागंज में लेखपाल सहित 6 लोगों के खिलाफ ज़मीन में धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ, क्या मामला है इसमें? जो वाली हैं नदीम खान, उन्होंने एक धोखाधड़ी का मामला गंज में लिखवाया है, जिसमें कुल 6 लोग के नाम हैं, जिसमें एक लेखपाल है महिपाल सागर, इनका भी नाम है। इसमें अन्वेषण जारी है, अन्वेषण के अनुरूप जैसे भी आएंगे साक्ष्य उसमें फिर कार्रवाई होगी। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।